एक बार भगवान शंकर की बहन, अब शंकर भगवान की बहन माता पार्वती की ननन, तो चोटी घुमाती घुमाती पार्वती की ननन आ गई, और पार्वती जी की ननन भगवान शंकर की बहन छिपरिया जैसी आई, और छिपरिया ने आकर, शंकर भगवान की बहन ने आकर छिपरिया ने और पार्वती जी को बुलाया, भाभी ओ भाभी, भाभी दौड़ के आई, हाँ जी जी बोलो क्या बात है। अब ननंद आवाज लगे तो भाभी के तो आना पड़ेगा, बेचारी भले कुछ भी काम कर रही नहीं आए, यूं हो जाए बताओ, भाभी के भाव तो देखो, तो बेचारी ननंद के आगे तो भाभी नतमस्तक, क्या बात है, भाभी दौड़ कर, हाँ जी जी, शंकर भगवान की बहन। अब भोलेनाथ तो सीधे थे, बहुत सीधे सरल सहज, पर ये जो बहन थी ना पार्वती जी की ननन थी, बड़ी टेढ़ी थी, बड़ी टेढ़ी, भाभी दौड़ के माता पार्वती, हाँ हाँ जी जी बोलो क्या बात है। तो पार्वती जी से कहा, अब आप स्मरण नहीं करती जो तप आपने शादी के पहले करा था, साधना करी थी भगवान शंकर से विवाह करने से पहले, तो तुम साधना व्रत उपवास नहीं करती। पार्वती जी बोली, जी जी अब तो मिल ही गए, अब मिल गए तो अब क्या करें। माता छिपरिया ने कहा, भाभी आपको उतनी साधना करना चाहिए। अब भाभी के मुख से एक बार निकल गया, जी जी तुम भी दिन भर घूमती रहती हो, तुम्हारे मुंह से भी तो कभी भगवान का भजन नहीं निकलता, इतना बस पार्वती जी बोल देवे। और छिपरिया फिर कहती क्या, छिपरिया ना कहा, भाभी हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई, भजन तुम्हें करना चाहिए, तुम कुल की बहू। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत, अगर आप लोगों ने अग्नि पुराण को पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है, सास तुलसी को जल डालती है और एक बहू तुलसी को जल डालती है, दोनों में तुलसी सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है, बोलो जम के बोलो, बहू से। सास भी जल डाल रही है, शास्त्र कहता है तुलसी की प्रियता कब है, जब बहू जल चढ़ा, सास जल चढ़ा रही है, मना नहीं है, पर बहू की प्रियता में कितना सुंदर कहा। एक बार एक सास को मायके जाना था, और मायके जाते जाते उसने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरे मायके में शादी आई, तो मम्मी ने तुम चले जा, फिर घर में ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, तो सास ने पूछा, तो बहू कहती मैं कर लूंगी, तुम तो जाओ। अब बेटा तुझे सेवा करना आती है नहीं आती, बता दो क्या करना है, तो सास ने कह दिया, देख भगवान को अच्छे से बढ़िया स्नान कराना, और स्नान कराकर भगवान को अंग वस्त्र पहुंच देना, और अंग वस्त्र पहुंच के भगवान को इत्र लगा देना, ठीक है, और इत्र लगा के भगवान को सुंदर वस्त्र पहना देना, ठीक है, और वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण रत्न माणिक सब पहना देना, ठीक है, और फिर भगवान जब तैयार हो जाए तो उनको दर्पण दिखा देना, कांच कांच दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को राजभोग धरा देना, भगवान को भोजन करा, ठीक है, बस इतना ही है ना, बहुत है, और बाद में भगवान को सुला देना, ठीक है। सास ने बताया, वो बेचारी मायके चली गई, बहू सुबह से उठ के तीन बार ताली बजाई, जैसे सास ने बजाई बता दी, उठा दिया भगवान को, बिठा दिया, नहवा दिया, इत्र लगा दिया, इत्र लगा के कपड़े भी पहना दिए, कपड़े सब कुछ करा, करके भगवान को दर्पण दिखाया, अब दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराएंगे, अब सास ने कहा था भगवान जब मुस्कुरा दे तो राजभोग कर देना, भोजन करा देना, मुस्कुराएंगे। अब बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए भगवान हंसे नहीं है, बहू ने वापिस कपड़ा वपड़ा उतार के उनको रजाई गद्दा में फिर सुला दिया, और वापिस सुला, अब बहू ने वैसे ही रजाई गद्दा में वापिस सुलाया, और भगवान को फिर थोड़ी देर घूम के आई, फिर तीन बार ताली बजाई, अब दम से बजाई, फिर भगवान को उठाया, फिर नहाया, फिर इत्र लगाया, कपड़ा वपड़ा पहना के फिर तैयार करके फिर दर्पण दिखाया, दर्पण दिखाया तो अभी फिर नहीं मुस्कुरा, बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी, इसने कपड़ा वपड़ा उतार के वापिस रजाई गद्दा में सुला दिया,
सुबेरे 9 बजे से भगवान को नहा रही, कपड़े पहना रही, दर्पण दिखा रही। 9 बजे से दोपहर की 2 बज गई पर भगवान मुस्कुराए परेशान। भगवान भी मन में सोच रहे, सास तो चली गई, इसको छोड़ गए, ये नहवाई नहवा रही, कछु खबा तो रही नहीं, केवल नहवा रही। अब भगवान सोचे अब खवाएगी, अब खवाएगी, पर खवाने का टाइम आता सुला देती, खवाती कछु भगवान को। अब भगवान ने मन में विचार करा, अब की बात दर्पण दिखाएगी तो ये 3 बजा देगी इसलिए, और सुबह तक शाम तक जिमाएगी का मतलब हुआ, अब की बार दिखाएगी तो मैं हंसी दूंगा पक्का। और इसने भगवान को नहला के, इत्र लगा के, कपड़े वपड़े पहना के, आभूषण पहना के जो दर्पण दिखाया, पीतल की मूर्ति में से दांत बाहर आ गए, भगवान मुस्कुरा दिया। और पीतल की मूर्ति के जब दांत निकले तो बहू को लगा अब भगवान हंस लिया, तो भगवान को फिर राजभोग धर दिया, लो भगवान जीमो। अब भगवान जीमे और भगवान को जिमा जिमो के फिर बढ़िया आराम से सुलाया। सुलाने के बाद दूसरे दिन फिर नहाया, नहा के फिर अब जैसे इसने दर्पण उठाया, ये दर्पण नहीं भी दिखाया, भगवान पहले दांत दिखा दे क्योंकि भगवान को मालूम है, फिर नहा देगा।